ओके, तो सभी बच्चों को मैं बोलूँगी, स्टूडेंट्स को, कि भाई दिल्ली, हम जो हमारा चैप्टर है अर्ली किंगडम्स, अभी हमें किसी रीज़न वाइज हम इसको चैप्टर को कर रहे हैं, जबकि हमने अभी वैदिक पीरियड नहीं पढ़ा है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, लेकिन वैदिक पीरियड को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी अर्ली किंगडम्स को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी वैदिक पीरियड का थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि आखिर वैदिक पीरियड क्या है, और इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में, और बाद में मैं आपको इसका वैदिक पीरियड का पूरा आपको वीडियो भी बना दूंगी और आपको क्लास में एक्सप्लेन भी कर दूंगी, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। अदरवाइज़ नहीं तो इसको एक्सप्लेन तो हम कैसे किसी ना किसी तरीके से मैं कर दूंगी। अभी अर्ली किंगडम्स को समझने के लिए सबसे पहले वैदिक पीरियड का थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1500 BCE टू 600 BCE इज कॉल्ड द वैदिक एज, एज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड इज ड्राइव फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक पीरियड को आप ये ले सकते हो कि आपका 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक के टाइम पीरियड को हम वैदिक एज बोलते हैं। इसको क्लास में मैं और क्लियर करूँगी कि कैसे इसको हम मतलब इस टाइम पीरियड को लेते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा फॉर्म चलता है, 1500 से लेकर 600 तक का। तो इस टाइम पीरियड के अंदर वैदिक एज स्टार्ट होता है, और इसमें वैदिक लिटरेचर का बहुत ही बड़ा एक आपको पार्ट मिलेगा। अच्छा, वैदिक लिटरेचर में क्या क्या है? वेदास हैं, पुराण्स हैं, एपिक्स हैं, रामायण जैसे महाभारत, तो इस तरह के लिटरेचर आपको वैदिक एज में मिलते हैं, और ये सब संस्कृत में लिखे गए थे। और अच्छा, उस टाइम की जो संस्कृत थी वो भी थोड़ा मॉडर्न संस्कृत से डिफरेंट थी। दूसरा, जो वैदिक पीरियड था उसमें जो लोग थे उनको हम आर्यन बोलते हैं, ठीक है, जो कि वैदिक एज में जो लोग थे, सेटल हुए थे, वो आर्यंस हैं। और वो सबसे पहले कहाँ सेटल हुए थे? नदर इंडिया में, नॉर्थ पार्ट में। और इसमें आप भारत भारत का जो किंग थे उनके ये डिसेंडेंट्स थे, मतलब उनके उत्तराधिकारी, भारत जैसे राम हो गए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनके जो भरत किंग है उनके ये डिसेंडेंट्स, मतलब उनके उत्तराधिकारी जो थे वो आर्यन कहलाए जाते हैं। और इसी वजह से इंडिया को हम उस टाइम पीरियड में भारतवर्ष बोलते हैं। उस टाइम पीरियड में चार वेदास बहुत इंपॉर्टेंट थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और वेदों के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको क्लास में ही दूंगी कि आखिर इसमें ये चारों वेदास के अंदर क्या है, हाइम्स हैं, प्रेयर्स हैं, और ये किससे रिलेटेड हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसे शॉर्ट में बता रही हूँ। इस चैप्टर में हम सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड पढ़ेंगे कि किस तरह की सोसाइटी, कहाँ से लोग कैसे आए थे, कैसे बसे थे। तो लोग बसे थे जिनको हम ऐसे बोलते हैं जन जन, मतलब जनता बसी थी एक स्मॉल ग्रुप में। उसमें सभा भी होती थी, समिति बनती थी, जैसे डिस्कशन होने के लिए सभा बैठ जाती थी, जो उसके हेड होते थे या दूसरे जो बड़े लोग होते थे वो लोग इस तरह की सभा करते थे। फार्मिंग होती थी, कैटल हर्डर्स होते थे, घोड़े पाले जाते थे, रथ बनाए जाते थे, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो खेती रहा है, एक सिंपल सी लाइफ रहती थी। और इस तरीके से हम इस वैदिक पीरियड को हम पढ़ेंगे। तो वैदिक पीरियड में आपको टाइम पीरियड मैंने बताया कि जैसे कि 5500 BCE से लेके 600 BCE तक का हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब हमारा ये आता है अर्ली किंगडम। तो इसके बाद क्या होता है कि भाई वैदिक पीरियड आर्यंस आ चुके हैं और लोग बस गए हैं, सेटलमेंट हो रहा है।
अब ये आगे जाके और ज़्यादा जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है इनका, वो बहुत इवॉल्व्ड होता है, इवॉल्व मतलब बढ़ता है आगे, एडवांस हो जाता है। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं अर्ली किंगडम्स, ठीक है। जो पहले जो किंगडम्स बने वो कैसे बने, पहले तो ये था कि आर्यंस आए हैं, ये कहा जाता है कि भाई आर्यंस बाहर से आए थे, कि आर्यंस पहले से ही थे, नॉर्थ साइड में सेटल हो गए। तो इसमें बहुत सारी मतलब अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, सो हम उस पर्सपेक्टिव पे जाके तो बात नहीं कर सकते, तो हम अर्ली किंगडम्स को पढ़ेंगे कि वैदिक एज के बाद आर्यन जब सेटल हुए तो लोग थे कुछ लोग जिन्होंने ये शुरुआत की, खेती करी, पुराण वेद पढ़ाए जाते थे, उन सब की उस समय रचना हुई, किस तरीके के वेदास थे उसके बारे में मैं आपको क्लास में बताऊंगी। अब हम पढ़ेंगे अर्ली किंगडम्स यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। जनपदास के बारे में मैं पहले आपको समझाऊंगी कि जनपदास क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा कि देखा कि वैदिक पीरियड में आर्यंस आकर नॉर्थ नदर्न इंडिया में सेटल हुए, कुछ लोग आए, उन्होंने अपने ट्रेडिशन और कल्चर्स में काफ़ी और आगे सीखा, फार्मिंग में उन्होंने कई मॉडर्न टेक्निक्स को लेकर आए और अच्छी टेक्निक्स को, एडवांस टेक्निक को यूज़ किया, जिसमें आयरन से बने टूल्स यूज़ किए और उन्हीं टूल से फॉरेस्ट को क्लियर करके उन्होंने उस पर भी फार्मिंग की। दूसरा, जो दूसरे लोग थे वो उनसे प्रभावित हुए, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने भी उसी चीज़ को फॉलो किया, उन्होंने अपने टेरिटरीज़ को एक्सपेंड किया, टेरिटरीज़ मतलब क्षेत्र को, और एक्सपेंड मतलब और विस्तार करना, एक्सपेंड करना और आगे बढ़ाना उन लोगों को देखकर, ठीक है। तो और लोगों ने भी उनके साथ मिलकर उनको फॉलो किया, नए टेरिटरीज को एक्सपेंड किया और गिविंग राइज टू मैनी सेटलमेंट्स। और इस तरीके से इस इन्फ्लुएंस्ड में आकर जो लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे थे, आर्यंस के साथ, उससे क्या हो रहा था कि टेरिटरीज का एक्सपेंड हो रहा था, लैंड्स का एक्सपेंड हो रहा था, उनके एरियाज का एक्सपेंड हो रहा था। अब ये एरियाज बढ़ गया और आगे जाके यहाँ पे बहुत अच्छा सेटलमेंट हो गया। अब क्या हुआ, एज द सेटलमेंट प्रोग्रेस द स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल अमंग डैम बिकेम जनपदास। जब एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये बदल गया तो इसी में से जनपदास बने। जनपदास मतलब कि भाई अब इतने बड़े क्षेत्र को तो हम संभाल नहीं सकते हैं, तो इनमें से गांव कट गए, जैसे कि आज के टाइम में गांव है ना, गांव में कट गए, और जैसे हम सिटीज़ में बोलते हैं, सिटीज़ में स्टेट जो है, अब पूरे स्टेट को तो हम नहीं संभाल सकते, तो स्टेट भी सिटीज़ में कट गए ना। तो उसी तरीके से जो सेटलमेंट हुआ, उस सेटलमेंट को हम इतने छोटे छोटे भागों में काटा और ये छोटे छोटे भाग जो थे वो जनपदास बने। हर जनपदास में एक कोई ना कोई हेड होता है जिसको हम किंग बोलते हैं, ठीक है। उसने उसको कंट्रोल किया। तो ये जो जनपदास हैं, ये जनपदास जो थे, ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ग्राफ दिया हुआ है बनाकर, उसको आप ग्राफ को देखते जाएं। द राजर्स हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकग्नाइज एज बिंग राजर्स ऑफ जनपदास रादर देन जनास। अब जो लोगों ने काफ़ी सेक्रीफाइस, बड़े त्याग किया था आर्यनों ने, अपनी पूरा परिश्रम लगाया था उनके विस्तार के लिए, अब उन्होंने क्या हुआ, वो ही लोग आगे जाकर जब जनपद बने, जब जनपदास बने, उसमें उन्होंने लीडर का रोल निभाया। इसी लीडर्स को हम बोलते हैं राजस, ठीक है, जो उसी लोगों में से जिन्होंने काफ़ी विस्तार करने में अपनी भूमिका निभाई, उनको ही हम राजस बोलते हैं। जो जनपदास में जब डिवीज़न हुआ सेटलमेंट का, तो ये उसके वहाँ के राजा बने। दूसरा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपदास। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो कि एक्सकेवेटेड करके आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री की उनके निकाले हुए चीज़ों से हमें मिलती है, तो उन्होंने एक्सकेवेटेड किया नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास,
ये जनपदास से रिलेटेड सेटलमेंट्स की काफ़ी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन उनकी, उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं, थिंग्स और बहुत सारी चीज़ें खुदाई के टाइम में मिली। तो एक्सकेवेटेड मतलब होता है खुदाई करना, जमीन की खुदाई करना, एक्सकेवेटेड वहाँ से निकालना, तो आर्कोलॉजिस्ट का तो यही काम है। तो ये कहाँ कहाँ साइट्स मिली हैं जहाँ पर ये सेटलमेंट के हमें प्रूफ मिले, पुराना किला हो गया दिल्ली का, दूसरा हस्तिनापुरा हो गया जो कि मेरठ के पास है, और ये है अतरंजी केरा, अतरंजी केरा जो है वो ईटा के पास है। तो ये कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ से आर्कोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेटेड किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जिनसे हमें उस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, दे फाउंड पीपल लिव्ड इन हर्ट्स एंड कैप्ड कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। तो उस टाइम पीरियड के हमें खुदाइयों से मिले सामान से पता चलता है कि भाई वहाँ के जो लोग थे वो हट्स बना के रहते थे, झोपड़ी बना के रहते थे, वो कैटल्स पालते थे और दूसरे एनिमल्स पालते थे। दे आल्सो ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, रिच क्रॉप्स में बहुत ही अलग अलग वेराइटी उन्होंने ग्रो की, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस हो गया, शुगर कैन हो गया, सीजैम हो गया एंड मस्टर्ड। पहले जो खेती होती है उसमें देखा होगा आपने शुगर कैन का नाम नहीं आता, अब शुगर कैन का भी होने लग गया है, सीजम भी होने लग गया है, मस्टर्ड पहले होता था। तो बहुत सी चीज़ें मतलब वैरायटी अब आने लगी क्रॉप्स में। जनपदास क्या है भाई, क्या क्या मिला उसमें आर्कोलॉजिस्ट को? दे मेड अर्थन पॉट्स, तो उन्होंने देखा कि भाई अर्थन पॉट्स जो हैं, अर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी के घड़े, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर वर रेड, कुछ घड़े ग्रे कलर में थे तो कुछ रेड कलर में थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इन नॉन एज इज नॉन एज पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर से मतलब कुछ ऐसे भी मतलब पॉटरी का मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं उस साइट्स में जिनको हम बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर मतलब केवल मटकियाँ ही नहीं, उससे मिट्टी के बने हुए बाउल्स हो गए या कुछ और तरीके के बर्तन हो गए जिस पर बहुत सुंदर सुंदर मतलब डिज़ाइन बनाए गए थे और पेंट किया गया था बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। और दूसरा, जब आप उसको टच करोगे तो बहुत ही स्मूथ सी फीलिंग आएगी, तो लगता था कि बहुत ही मतलब स्किल्स डेवलप्ड की थी अर्थन यूटेंसिल्स बनाने में। तो यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ठीक है, अर्थन मतलब मिट्टी के, तो ये जो मिट्टी की चीज़ें बनी हुई थी तो ये उनको देख के लगता था कि भैया हो सकता है कि पहले के जो काफ़ी ऊंचे ओहदे के लोग जो रहते थे या राजा महाराजा रहते थे वो स्पेशल ओकेशन के लिए इस तरह के स्पेशल वेयर यूज़ करते होंगे। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं ना क्रॉकरी होती है स्पेशल, तो हम रख लेते हैं कि भाई जब हमारे यहाँ मेहमान आएंगे तो हम तभी निकालेंगे, ऐसे उस समय ये जो स्पेशल पेंटेड ग्रे वेयर होते थे वो बहुत ही स्मूथ बनाए गए थे, बहुत ही अच्छी स्किल्स उनकी वहाँ पे दिखाई देती है, टैलेंट दिखाई देता है जो इस तरह के बर्तन वो यूज़ करते थे। जनपदास क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, महाजनपदास क्या होते हैं वो अब हम समझेंगे। भाई जो पहले हमने देखा, अब सेटलमेंट हुई है लोगों की वैदिक पीरियड में, आगे चलकर लेटर वैदिक पीरियड में आप देख रहे हैं जो कि अर्ली किंगडम्स में हम पढ़ रहे हैं, जनपदास बने, जनपदास उन्हीं लोगों में से हम जनपदास बना। और ये महाजनपदास कैसे बना इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सम जनपदास बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर एंड वर नॉन एज अ महाजनपदास। अब कुछ जो जनपदास थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गए और उन्हीं को हम महाजनपदास कहते हैं। What was the special in महाजनपदास? क्या है महाजनपदास? भाई कुछ जनपदास ऐसे होंगे जिन्होंने भाई अपनी पावर बढ़ा ली होगी, अपना टेरिटरी और एक्सपेंड कर दिया होगा, तो टेरिटरी एक्सपेंड करते होंगे, हो सकता है कि बगल के जितने भी और जितनी भी महाजनपदास हैं उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया या उनकी टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज में मिला दिया या उनकी भी एक पावर उनके अंदर मिल गई, तो ऑब्वियसली है वो बड़े महाजनपदास बन गए, तो उनको हम बोल रहे हैं महाजनपदास, ठीक है। व्हाट वाज अ स्पेशल इन महाजनपदास, ऐसा क्या स्पेशल था महाजनपदास में? मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। भाई जितनी भी महाजनपदास थे उनकी कैपिटल सिटी होती है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में एक मैप दिया हुआ है बेटा,
इम्पोर्टेंट महाजनपदास का। तो जैसे यहाँ पे हस्तिनापुर हो गया, इसका भाई ये कैपिटल हो गया इंद्रप्रस्थ। ऐसी मगध की पाटलिपुत्र और वज्जी की वैशाली, ये मैं कुछ नाम बता रही हूँ आपके उसी मैप से, तो पता लगता है कि भाई ऐसे महाजनपदास थे। ये सारे महाजनपदास इस मैप के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर दिए हुए हैं और उनके कैपिटल भी दी हुई हैं। तो ये जो महाजनपदास हैं, कुछ उदाहरण जैसे मैंने आपको दिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, कैपिटल्स को, उन महाजनपदास को, कैपिटल्स को फोर्टिफाइड किया गया। फोर्टिफाइड क्या होता है, आपने देखा होगा कि आज के टाइम के जो किले हैं उनके चारों तरफ किलाबंदी होती है, एक दीवार खड़ी कर दी जाती है पूरे किले के चारों ओर। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि बाहर के जो लोग हैं वो आक्रमण ना कर दें, अटैक ना कर दें, तो एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस किलाबंदी को ही हम बोलते हैं फोर्टिफाइड करना। तो ये कैपिटल को फोर्टिफाइड कर देते, उसका रीज़न होता था, तो चारों तरफ फोर्टिफाइड करने का मतलब एक बहुत बड़ी सी वॉल खड़ी कर दी जाती थी, वो ब्रिक्स की भी होती थी, वुड भी यूज़ होता था उसमें। और क्यों खड़ी की जाती थी, उसके रीज़न, तो मैंने आपको ग्राफ दे रखा है कि रीजंस फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स, क्यों आखिर हम इस तरह के फोर्टिफाइड करते थे। फोर्ट्स वर प्रॉबली बिल्ट बिकेम पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। अब जो कैपिटल्स होती थी जिसके अंदर लोग रहते हैं, जो महाजनपदास हैं जिनके अंदर लोग रहते हैं, उनको हमेशा डर रहता था कि जो दूसरे महाजनपदास हैं कहीं उनके ऊपर अटैक ना कर दें अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। तो ऐसा होता था, वार्स होती थी आपस में। तो इस डर की वजह से उन्होंने क्या किया कि भाई अपने कैपिटल के चारों तरफ, अपने माँ जनपदास के चारों ओर उन्होंने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर लेनी थी, और इसका एक ही रीज़न होता था अपनी प्रोटेक्शन करना। तो किंग ऐसा भी इसलिए फोर्टिफाइड करते थे। दूसरा रीज़न ऐसा इसलिए भी था कि इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। कुछ लोगों को शो ऑफ करने का था, जैसे हमने पढ़ेंगे आगे जाके साउथ में जो टेम्पल्स बने हैं, तो राजा ही, चोला चोला राजा हो गए या दूसरे राजा हो गए, वो अपने टेम्पल ही बड़े सुंदर सुंदर शानदार बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि उनको अपनी पावर दिखानी होती थी। तो इसी तरीके से क्या है, इस टाइम पीरियड में भी फोर्टिफाइड जो कर रहे थे वो बहुत ही लंबी लंबी दीवारें बनाना, उसको बहुत ही पावरफुल बनाना दीवारें। क्यों? जिससे वो दिखाते भी तो थे हम कितने रिच हैं, हम कितने पावरफुल हैं, तो दूसरे जनपदास को, दूसरे किंग को पता लगे कि हमारी पावर देखो। तो ये दिखावे के लिए भी फोर्टिफाइड किया जाता था, वॉल खड़ी की जाती थी। तीसरा, द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजली बाय द किंग। दूसरा ये भी है कि भाई अगर जनपदास जो आपस में एक दूसरे से बाउंड्री के से लगे हुए रहते थे, अगर फोर्टिफाइड ना किए जाएं, तो एक जनपदास के लोग कभी भी आके दूसरे जनपदास में जा रहे होंगे, उस जनपदास के लोग यहाँ पे आ रहे होंगे, तो आप हाउ टू रिकग्नाइज दोज पीपल्स फ्रॉम अदर जनपदास। तो इट कुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज अदर्स पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट जनपदास। सो ये चीज़ ना हो पाए कि भाई कौन कहाँ से जा रहा है, कौन आ रहा है, तो फोर्टिफाइड कर दो भाई कि हमारे अपने लोग इस वॉल्स के अंदर रह रहे हैं, हमें उनको देखना इजली हो जाएगा, इनको रिकग्नाइज करना इजली हो जाएगा, कहाँ से निकल रहे हैं, कितने से, क्योंकि फोर्टिफाइड कर दिया तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई मेन गेट होगा, मेन गेट से ही निकलोगे तुम, तो मेन गेट पे ही अब सारी चेकिंग होगी। और अगर वॉल ही नहीं होगी तो गेट लगाने का क्या फ़ायदा भैया, कोई भी उचक के यहाँ आ जाएगा, कोई भी इधर से इधर इधर आ जाएगा, तो वो चीज़ भी नहीं चाहिए। तो ये थर्ड वाला रीज़न इसके लिए है। दूसरा, जब ये वॉल्स फोर्टिफाइड किया जाता था, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगता था, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रिक्स, बहुत सारी ब्रिक्स लगती थी, एंड स्टोन्स वर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, पत्थरों की ज़रूरत होती थी कंस्ट्रक्शन के लिए। दीज रिक्वायर्ड इनॉर्मस लेबर, बहुत सारी लेबर भी लगती थी। तो इस लेबर में मैन भी हैं, वुमेन भी हैं और बच्चे भी हैं, और रिसोर्सेज भी लगते थे, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, दूसरे दूसरे जो भी हैं वो भी लगेंगे, रिसोर्सेज भी लगते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ रही है वो तो लगेंगे। तो इसको आप एनालाइज करिए कि क्या क्या हो सकता है ना, इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, दूसरी चीज़,
द न्यू राजस नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। आखिर हमें और किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, क्यों हमें मनी चाहिए? तो जो राजस थे उन्होंने क्या किया, जो महा जनपदास के जो किंग हैं उन्होंने क्या किया कि भाई उनको अपनी मेंटेन रखनी पड़ती थी आर्मीज, कभी भी कोई भी वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए आपस में, तो आपकी आर्मी अगर कमज़ोर है तो फिर आप कैसे अपने लोगों को कंट्रोल करोगे, कैसे आप दूसरे लोगों को कंट्रोल करोगे? तो अपने आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी क्या होता था पॉइंट, सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर उनके मेंटेन करने के लिए, उनको सैलरी भी दी जाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, उनको पे किया जाता था, उसके लिए भी पैसा चाहिए। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स क्या भाई, ये कॉइन्स चलने लग गए थे। क्या होता था कि कोई भी मेटल है जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, उसको मेल्ट किया, उसके ऊपर कोई ना कोई सील अपनी लगा दी तो एक मार्क छप जाता था, तो उस कॉइन्स को ही यूज़ किया जाता। आज के टाइप में नहीं, आज के टाइम में तो मशीनें हैं तो उसमें से कॉइन्स बनते हैं, आज तो चांदी भी यूज़ नहीं होती है, उस टाइम चांदी सोना यूज़ होता था। तो इस फॉर्म में उनको सैलरी पे की जाती थी। इस सिस्टम में टैक्सेशन को भी हम समझेंगे, आखिर टैक्सेस आए, इसमें सिस्टम बना क्या था। तो जो महाजनपदास के रूलर्स थे वो क्या करते थे, एक तो बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, बहुत बड़े फोर्ट्स बनाना, उनकी फोर्टिफाइड करना, बिल्डिंग्स बनाना, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा मेंटेनिंग बिग आर्मीज, आर्मीज को मेंटेन करना, उन सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो राजा होते थे, कोई ओकेशन हुआ तो जो लोग आ रहे हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आकर राजा को देते थे। लेकिन क्या उन गिफ्ट से अब चलेगा इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना, 45 में जो पैसा लग रहा है, जो रिसोर्सेस लग रहे हैं उनको पे करना, क्या अब उन गिफ्ट से चलेगा? नहीं, एक हमें फिक्स अमाउंट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे टैक्स सिस्टम आया कि भाई रेगुलर टैक्सेस जो है वो अब स्टार्ट होगा कलेक्ट करना। अब ये टैक्स आखिर कलेक्ट हो रहे हैं अंडर महाजनपदास, तो ये किस तरह के टैक्सेस हैं हम समझेंगे। फर्स्ट, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, यूजली द टैक्स वॉज फिक्स एट 1/6 ऑफ वट वॉज प्रोड्यूस्ड। दिस वॉज नॉन एज भाग और अ शेयर। तो जो टैक्स था वो क्रॉप्स पे भी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन था, फार्मर्स बहुत मतलब नंबर्स में थे, तो संभवता है प्रॉबली कि भाई टैक्स जो है वो फिक्स था। कैसे फिक्स था? 1/6 आपको प्रोड्यूस्ड किया गया उसका देना है। मान लीजिए एक लैंड पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/6 आपको पार्ट देना होगा, यानी कि 6 भाग है उसमें से एक भाग आपको देना होगा। दिस वॉज नॉन एज अ भाग और अ शेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, या तो भाग, और इंग्लिश में बोल रहे हैं शेयर, भाग कहते हैं इसको। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन्स एज वेल, दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. कुछ tax craft persons के ऊपर लगते थे। कैसे लगते थे? कि coins नहीं देंगे अब taxes में, भाई जो produce हो रहा है उसका तो 1/6 भाग उन्होंने farming में दे दिया। craft persons में labor ले लेते थे कि भाई जो भी लेबर लग रही है, जो भी चीज़ें बना रही है उसमें लेबर यूज़ करो। कैसे लेबर ले रहे हैं? जैसे वेवर्स हो गए बुनकर, स्मिथ हो गए जो लोहा वोहा की चीज़ बनाते हैं,
वो लोग जो वर्कर हैं उनको क्या वो होता था कि भैया आपको पूरे महीने में एक दिन पूरा आपको किंग के लिए काम करना होगा। तो किंग कहाँ है भाई? पैलेस में है ना, तो वो उनके अंडर में काम करेगा, आपको ये करके देना होगा, लेबर वहां लगेगी एक दिन। दूसरा, देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। दूसरा टैक्स लगता था सामान में, जो भी गुड्स है उसके ऊपर लगेगा, जो भी खरीदा जा रहा है, जो भी बेचा जा रहा है उसके ऊपर, तो जो भी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर भी टैक्स। हंटर्स एंड गैथरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजस। जो फॉरेस्ट है उसमें भी बहुत से जो प्रोड्यूस होती हैं चीज़ें, मेडिसिन्स आपको देखो फॉरेस्ट से मिलेगी, उसमें भी हमने कई जगह पे खेती का करके हमने बहुत सी चीज़ें उगाई हैं, तो मेडिसिन्स बहुत फॉरेस्ट से ही हमें आती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फॉरेस्ट के भाग से बनती हैं। और दूसरा, शिकार होता है, कहीं कुछ होता है, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो सब में से आपको, उसके प्रोडक्शन में से आपको राजस्व को भी कुछ ना कुछ देना होगा। इस तरीके की टैक्सेस महाजनपदास के अंडर कलेक्ट किए जाते थे। यहाँ पे आपकी बुक में रिपब्लिक एंड मोनार्ची वाला पॉइंट है, जो कि अभी आपकी बुक में बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, तो ये मैं अभी हटा रही हूँ, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगी। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रेड टाउन्स ये हम पढ़ेंगे, और टाउन्स को क्लियर करने के बाद और केस स्टडी मगध, मगध की केस स्टडी पढ़ेंगे और वजी की केस स्टडी पढ़ेंगे, उसमें हम रिपब्लिक एंड मोनार्ची को भी क्लियर करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो, ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।